प्रचंड बहुमत और अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल का क्लाइमेक्स अब नजदीक आ चुका है। लेकिन बीजेपी अपने दावे में कितना सफल हो पाई है, इस बात का जवाब तो जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में ही देगी। लेकिन हम आपको मोदी सरकार के आज उस सराहनीय कदम के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर देश की महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं को गर्व होगा। I, निर्मला सीतारामन, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के टॉप 5 कंट्री अमेरिका, चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच भारत ही एकमात्र ऐसा इकलौता देश है जहां की डिफेंस मिनिस्टर महिला हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई चीन के शंघाई सम्मेलन की तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जिसमें एससीओ के बाकी सदस्य देशों के बीच एक भारतीय महिला डिफेंस मिनिस्टर थी जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने अपना कार्यभार 3 सितंबर 2017 को संभाला था। इनका जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई तमिलनाडु से पूरी की। इसके बाद निर्मला जी ने जेएनयू से मास्टर डिग्री ली। निर्मला सीतारमन 2006 में बीजेपी में शामिल हुई। शुरुआती दिनों में वो बीजेपी की प्रवक्ता रही। इसके साथ ही वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। डिफेंस मिनिस्टर से पहले निर्मला सीतारमन स्टेट कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। सिर्फ निर्मला सीतारमन ही नहीं, मोदी कैबिनेट में सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी और मेनका गांधी सहित 6 महिला मंत्री हैं। मोदी सरकार ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंपकर ये तो साबित कर दिया है कि वो महिलाओं को वही हक, वही सम्मान देना चाहते हैं जिसकी वो हकदार हैं।